बड़ी मुबारकबाद जो है अंबिया कराम ही मनाते हैं आकाले सलात सलाम के बारे में कोई कुछ गाल करे सारा सहाबा कराम वाला इस बारे हुजूर अली सलात सलाम का कि हुजूर अली सलात सलाम रूहानियत के तौर पर रूहानियत के तौर पर हर जगह मौजूद है। नबी करीम अली सलात सलाम फरमाए जब तुसा कहीं जा दाखिल हो मस्जिद है घर है कोई कहीं फरमाया के अब से सलाम सलाम फैलाओ कोई मौजूद है तो पहल क्या करो सलाम करो सबसे पहले कलाम करो पहले सलाम करो फरमाया कोई कहीं तो मैं जो के सलाम करो तो मैं जो के सलाम भेज रहा हूँ रूहानियत और नौरानियत के तौर पर हर जगह मौजूद है बतौर अपने जिसम अतहर के नाल आप मदीना तैयबा देंगे मौजूद हैं। हाँ अगर आप चाहें जितना भी जितना चाहें रूह अलैहिस्सलाम इस्लाम पर नफ्स से नफीस अपने जिसम के नाल उस पर मौजूद थी सकते जहाँ तक रहा कि आपकी मौजूदगी रूहानियत और नूरानियत के तौर पर आपकी जात का बरकत हर जगह मौजूद है क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को रहमत लिल आलमीन आलमीन को मुराद दुनिया के लिए सारी की सारी दुनिया के लिए आलमीन के लिखा जा आलम है आलमीन के अर्श भी आ रही है कुर्सी भी आ रही है वह महफूज भी है कलम भी है सारे आसमान हैं सूरज है सितारे हैं चंद है सब कुछ के आलमीन के लिए हैं रहमत सारे लोग के जिले है रहमत का तकाजा है कि वो बंदे लोग के रहम वो शायद रहमत थी सी जैसे नज़दीक वो सी तो रहमत थी वास्ते हर शायद नज़दीक हो ना हो रहमत रही थी आप हर जगह रूहानियत और रूहानियत के साथ मौजूद हैं और अपनी कबर मुबारक के अंदर हयात तैयबा के साथ आप कबर मुबारक मौजूद हैं और इहो सहाबा कराम का एक बात है अंबिया कराम के बाद सख्त पहले जो हैं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें का एक बात क्या है सैयदना अली अल मुख्तार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु याद फरमाएं भाई जिसके मैं दुनिया को चला बना मेरा जनाजा पास के हुजूर के हुजरा मुबारक के सामने घिन हुजूर खुद इजाज़त इन मेरे को आपके हुजरे के लिए दफन कर छुड़े वरना मैं तो जन्नत को यकीन दे सकता जिसने आप तक जिस नाजहत आपका जनाजा घिन करें हुजरा मुबारक के सामने घिन जाए आज खुद दरवाज़ा खुल जाए आपके दरवाजा खुल जाए हुक्म से यार तो यार जनाल मिला यार तो यार मिला एक कार कैसी फैलता था सदीक अकबर हजूर खुद इजाज़त नहीं होता इसलिए आप कबर मुबारक दे उतारिया नहीं जाता ये हम हजरत अली अल मुख्तार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कार देते उतारा ने इसका उन्हें सैयदना अली अल मुख्तार रज़ी अल्लाह ताला सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की कबर मुबारक की तारा ना लेने तो हजरत सैयदना अली अल मुख्तार रज़ी अल्लाह ने कहा आपकी ने हाँ हाँ हवा दे जोर की दिया वाह वे सिद्दीका वाह वे अबू बकरा तेरी शान वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही अल्लाह की कसम तेरे कब्ज़ा है कुदरत मेरी जान है मेरे हाथ के बिना हुजूर ने सलात सलाम के हाथ की शान है नहीं सीधी के बाद तो तेरे वहाँ में तेरे वहाँ में ये काशा कुम सावत राम ने और हकीकत बन के सामने तब याद हो सी अल्लाह की फरमाया मेरे लोगों को आखो अपनी जान है जो तो जुल्म करें तो तुम्हारे को आओ अस्तफार करे से तो सैन वास्ते मगफरत करे सो मगफरत मंग सो
मैं दूसरा पक्ष आना पा नहीं सकता। लोग तो इन हजूर अगर प्राप्त करें तो दो चार दिहाड़े पर अपनी खबर मुबारक करना। फिर बद्दू आए, बद्दू जो आए आप हैं हजूर अगर प्राप्त करें कि खबर मुबारक तो गला चा पा सकते साहब अकड़ा मिल करें मना दें बड़ी खुशा जो लोग हो कबरन के उत्ते दुआ खड़े मंगे हो तुम कबर परस्त हो परस्त हो तुम दूसरे को सैयदना अली अल मुर्तजा भी हैं ये साहब अकरामी खड़े चार पांच हाड़े सारे थे वो जो आए सीधा गलकड़ी जा पाते आज भी अल्लाह से ना हुक्म है मैं जुल्म कर रहा हूँ अपनी जान दे के महबूबा हूँ तेरे को आ गया मफरत मंगता पाया तुम सारे वास्ते मफरत मंगो सैयदना अली अल मुर्तजा की बात है ना असा हिनायत करने नाल सुने ऐ बद्दू अल्लाह से तुझको बख्श दे सुभान अल्लाह असा तो दुआ खड़े मंगता तो मुशरक थी गए साहब अकराम के सामने हुजूर की कबर मुबारक को गला पा के तो रोंदा पटका नहीं जा सकेंगे हमें जो फतवा कौन ले तो जी वो दोस्तों नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाए कयामत तक मेरी हिम्मत शिर्क न करे कदम भोल करेंगे कि हिंदू से शिर्क का फतवा न हो तो जी वो दोस्तों ये सारा एक बात है। और फिर जहाँ तक दौरानिया का ताल्लुक कुछ अल्लाह से खुद फरमाए तक जाओ मिन अल्लाह नूर व किताब नबी तमाम तफासीर में नूर का तर्जमा क्या किते यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर ने सलात सलाम भी फरमाए हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला के हुजूर सब तो पहले अल्लाह से तीन शर्त पैदा किते नबी करीम अलैहि सलाम फरमाया जाबिर सब तो पहले जेरी शायद को अल्लाह सिंह ने पैदा की थी तो पहले नबी के नूर को अपने नूरी को पैदा नूरी को पैदा बाकी ऐसे करें करें इल्म भी अल्लाह ही करेंगे हुजूर तो इल्म के बारे में तो बात के क्या क्या थी सकती कि तो गैब गैब अल्लाह के बंदे सब तो बात के गैब से मुझे गैब दा खालिक गैब जो कुछ भी है हम सारे को लोग गैब है बहुत सारे असा तो उनके गैब हैं लेकिन जेरी खालिक जात है वो तो सब तो ज़्यादा गैब है जब सब तो ज़्यादा गैब गैब भी जात आकल इस्लाम इस्लाम को गैब नहीं रही तो वह भी तेरी जहाँ जहाँ तक इल्म जाता है लोग आकल इस्लाम इस्लाम का इल्म जरा है वो अताई इल्म है समझा देता है ذاتی علم صرف اللہ سنجھا ہے ذاتی علم اللہ سنجھا ہے اللہ سنجھا کہ محبوب کو لوگ جیسا علم ہے عطائی علم ہے اور نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ مانی رب کی احسن تعلیم میرا استاد میں کو علم دے مانا اللہ میرا رب ہے اور میں کو بہترین علم عطا کی جب حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اللہ سنجھا ہم پہے घर को देरी हो जाए बंदा जो हजूर के इल्म से गाल करे अगर इल्म से गाल करे हजूर के इल्म दे उसके तो नकायस नुक्स वाली गाल करे सी तो ये वो शख्स है जरा अल्लाह से एक बार एक इतराज कर गए असल में आना ना एक बेटे तो यार ये काम जो करवाओ ना कहीं मिस्त्री को तो काम जरा ठीक ना पै करेगा होगा यार तेरे उस्ताद ही नहीं हो सकता अगर हुजूर के इल्म के इतराज करेंगे पयो तो संदर हकीकत अल्लाह से इल्म जो के इतराज करेंगे जो अल्लाह से इनके महबूब पर मुंडक तो अल्लाह से सीखा मेरा उस्ताद मौलम जरा अल्लाह से है था अल्लाह से जरा इल्म अता के तो अपने महबूब को इनके इनके बारे में बुजर्गे के मुनव्वर बुजर्गे के अलसान अहमद फारूकी फरहंदी रहमतुल्लाह तआला फरमाए अल्लाह से महबूब का इल्म अताई है फरमाया आपका इल्म ला महदूद है आपका इल्म लफ्ज़ याद कर लो आपका इल्म ला महदूद है लेकिन महदूद है अब ये भी आप आपको ला महदूद है लेकिन महदूद है ला महदूद तख्लीक के नज़दीक महदूद खालिक नहीं कोई मखलूक कोई भी मखलूक है अल्लाह से महबूब के इल्म को नहीं पहुँच सकता
और अल्लाह सिंह महबूब का इल्म महदूद अल्लाह सिंह नहीं थे, और जाती इल्म भी है अल्लाह सिंह ने अपने महबूब को जो अता किए वो अल्लाह सिंह अता भी है कि वास्ते अल्लाह सिंह नज़दीक के महदूद है मखलूक के नज़दीक लाभा है। ठीक है ना सर, मुहद्दिसी ने ये भी आखिर कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म इन्हें है जिन्हें समंदर है और सारी तकलीफ का जो इल्म है क्या वो उनके इन्हें है जिन्हें है फिर चीड़ी एक चुंज भर के जिस अंबिया आ गए फरिश्ते आ गए सारे कुछ आ गए तो आका अलैहिस्सलाम का इल्म अल्लाह सिंह के नज़दीक में है जिन्हें बेकिनार समंदर के सामने एक चुंज भर के चीड़ी अल्लाह सिंह के इल्म के सामने आका अलैहिस्सलाम का इल्म इन्हें है जिन्हें समंदर बेकिनार के सामने एक कतरे के बराबर है और बाकी मखलूक का इल्म हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म के सामने इन्हें जिन्हें बेकिनार समंदर के सामने है। वास्ते मसला भी हल थी गया इलम के बारे में गैर का इल्म असा हाई कयामत आई कहें तो हुज़ूर के सारे किसे सुना दी ए थी सी ए थी सी ए थी सी परहेज़ का हाल ही दे दी थी दोज़ख का हाल भी दे दी थी अल्लाह सी का हाल ही दी थी मैं हिनायत थी मेरे अल्लाह सी को देख लिया तो ये इल्म नहीं थी क्या है दुरानियत का ताल्लुक ही है अल्लाह से फरमाए मैं अपने महबूब को अपने नूर के पैदा किया नूर का मादा नहीं नूर का फैसल नहीं मसला हमारा सा बल्ला बल्ला का हो गया हम सूर्य की धोख है थी ये धोख कह दिए ये सूर्य को ले गए इस सूर्य का हिस्सा तो कहें ना ये आकाल का नूर अल्लाह से का हिस्सा नहीं अल्लाह से नूर का हिस्सा नहीं अल्लाह से नूर का फैज है बाकी जितनी तकलीफ है वो आकल इस्लाम के नूर ही तो अल्लाह से पहले आपकी जो दूर भी हदीस सिर्फ बशर भी खैर और बशर आप उस और कहीं सिर्फ का इनकार करना को है आकम नबी जी ये सिर्फ के आकल इस्लाम जी जरा इनका इनकार करे सी काफी इन्हें दूर का इनकार करे सी भी काफी बशर का इनकार करे सी भी काफी तो जी दोस्तों अल्लाह से बेहतरीन अकीदा सा तो काफी है यह अकायद साहबा कराम ने यह अकायद पिछले दिन आयन पर अल्लाह से बारे में महबूब अलैहिस्सलाम बारे अंबिया कराम इन्हें जिन्हें जिन्हें अल्लाह से महबूब ने साथ से उन्हें उन्हें सारा इतबार देता अगर कमी है तो सारे अंदर अमल की कमी है इनके वास्ते का जरूर साहब कोशिश करनी चाहिए अमली राम के असल नमाज की पाबंदी को अभी जी दरूद अस्सलाम कसरत नाल पढ़या करो सलात अल्लाह याद कर लो सलात अल्लाह सलाम अलैहि मोमिन की जबान पास वजु हो रहे साहब ज्यादा वरना मोमिन की जबान पास से दरूद अस्सलाम पढ़ सकते सलात अल्लाह सलाम अलैहि जवारान को अल्लाह की असीर या तुम मगरिब दिन आपने मामूलात मगरिब की नमाज के बाद पहला करना तस्वीर पाठ की मुसलमान को पहले तस्वीर सरकार की पढ़ी और अपने चेहरे को नहीं करने वाले इस्लाम से सुन्नत का सजा छोड़े खाली पूरे करने एक मोटी को लाल भजन की घटना हो हुजूर याद को भी अपने आप को महफूज रखो भूख का भंग बीज सिगरेट पान वगैरह नहीं करो एक लोग नहीं सो पा जो मसला सुने सभी एक पास देंगे जमा निस्वाद करके ही झुका के नमाज पढ़ सो सत्तर नमाज मसला टोपी और पगड़ी के नाल नमाज पढ़ सो सत्तर नमाज मसला अल्लाह सारे को मैं तो भी बता दूँगा बड़े सीखे मेरी दोस्त।